हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के परिवार में। कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जीके का जो है लेक्चर ले रहे हैं। अभी तक जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है और वे भारतीय हैं, उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वह भारतीय थे, तो पहले ऐसे भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर, और इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था और गीतांजलि के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत सी बार पूछा जाता है दोस्तों एग्ज़ाम्स में, और इसको यदि अच्छे से याद कर लें तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो पहला पुरस्कार लेके आए हैं भारत के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में, और बहुत सी बार सन भी इसका पूछा जाता है। 1913 में सर चंद्रशेखर रमन भौतिकी के क्षेत्र में लेके आए थे। तीसरा पुरस्कार, तीसरा जो भारतीय था नोबेल पुरस्कार पाने वाला, वो हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में, मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और वीएस नायपाल साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट रमन रामाकृष्ण रसायन के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में। 2014 में इन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। यहाँ से देखो पहला और लास्ट वाला याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो 2014 और 1913, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला था, और कैलाश सत्यार्थी को जो शांति के क्षेत्र में 1914 में मिला था। अगर हम बात करें इसको हमें याद करना है तो कैसे हम करेंगे दोस्तों, बड़ी आसानी से हम याद कर लेंगे। रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, तो रवि से हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर, और सर से हो गया सर चंद्रशेखर रमन, और ह से हो गया हर गोविंद खुराना, और म से हो गया मदर टेरेसा, और सुबह से हो गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अ से हो गया अमर्त्य सेन, और वी एस न्यायपाल, न से हो गया न्यायपाल, बी से हो गया वेंकट रमन, और के से हो गया कैलाश सत्यार्थी। ठीक है दोस्तों, इस वाक्य को हम दो तीन बार दोहराएंगे कि रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, तो रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। जब मान लो अपनी नौकरी नहीं लगती है तो अपन कुछ काम धंधा करेंगे, तो उसमें हम सोच सकते हैं कि हमने आम बेचने का धंधा कर लिया, और कोई हमारे सर थे तो हम उनको फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि रवि सर हमारे सुबह से आम ना बिके तो हम क्या करें, हम कोई दूसरी युक्ति अपनाएं, ऐसा कोई हमें बताएं। तो भैया देखिए, तो आम बेचना है तो किसी से सजेशन लेना पड़ेगा, मतलब अपन ने कभी आम बेचा ही नहीं है तो किस टाइप से बेचें, तो कोई तरीका तो अपनाएंगे ना। तो ऐसे अपन उसको याद रख लेंगे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद हो गया होगा आपको, पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, सर चंद्रशेखर रमन, हर गोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वी एस नायपाल, वेंकट रमन रामाकृष्ण, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो अब हम ग्रीन हाउस गैसों की ट्रिक देखें, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसें। तो मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसें तो हम याद कर रहे हैं, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसें, तो मी से हो गया मीथेन, ना से हो गया नाइट्रस, ठीक है मीना, और का से हो गया कार्बन कार्बन, और जलवा से देखें तो जलवा जलवाष्प, और ओ से देखें तो ओजोन, ग्रीन हाउस गैसें, और से देखें तो ओजोन। ठीक है दोस्तों, ये बड़ी ही आसानी से हमने इसको याद कर लिया है। हम जो है आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और अब हम देखेंगे दोस्तों बाबर के द्वारा भारत में जो युद्ध लड़े गए उनके बारे में। आपको पता होगा बाबर ने जो है 5 बार भारत पर आक्रमण किया, और जो है उसने दिल्ली पर अपना आधिपत्य कर लिया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा था बाबर ने, वो जो है उस पर अपना आधिपत्य कर लिया था भारत पर, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और वहीं से हम देख रहे हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने जो इब्राहिम लोदी को हराया था, और इब्राहिम लोदी के हारने के बाद में दिल्ली पर 1526 में बाबर का आधिपत्य हो गया था। आगे हम देखें तो बाबर ने पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध सॉरी प्रथम युद्ध के बाद में जो है
कलंदर की उपाधि धारण करी थी, यानी इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा का युद्ध हुआ, तो खानवा का युद्ध 27 में हुआ और ये राणा सांगा के बीच हुआ दोस्तों। उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, जो मैदानी राय और बाबर के बीच हुआ, यह भी बाबर ने ही जीता। और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ महमूद लोधी से, और यह भी बाबर ने जीता। यानी बाबर ने जो भी युद्ध लड़े वे सारे युद्ध जीते, और बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। और बाबर की मृत्यु के बाद में जो है उसका पुत्र शासक बनता है हुमायूं। और हुमायूं जो रहता है बाबर के कहे अनुसार अपने राज्य को चार भागों में बांटता है दोस्तों। यही उसकी जो है कमजोरी बनता है और उसे निर्वासित जीवन जीना पड़ता है 15 साल के लिए, क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी जो है दिल्ली पर अपना आधिपत्य कर लेता है। हुमायूं एकमात्र ऐसा शासक है जिसने 2 बार शासन किया, और औरंगजेब ऐसा शासक है जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। तो दोस्तों देखो, हम इस जो युद्ध का जो क्रम है इसको बड़ी ही आसानी से हम याद रख सकते हैं। 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, और 28 में जो है चंदा दिया, और उसके बाद में जो है 29 में घर चला गया। ठीक है, देखो ऐसा हम बोल सकते हैं, यदि हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहले हम पानी पीते हैं, फिर हम खाना खाते हैं। तो पानी पिया लोटी से, खाना खाया साग से। जब अपन खाना खा लेते तो फिर हम लिफाफा देके आते हैं, तो उसको बोलते हैं चंदा। मैदान में घूमकर हम चंदा देते हैं, और घाघरा का युद्ध यानी जो फिर गाना गाते हुए हम कहाँ जाते हैं, घर आ जाते हैं। और महमूद लोधी, बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम, तो अगले ही हम ट्रिक्स देखते हैं दोस्तों चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम। चीनी यात्री को फांसी हुई, तो सबसे चीनी यात्री को फांसी हुई तो सबसे पहले अपन देखें फांसी हुई तो फांस हो गया फाइयान, और सी से हो गया संयुगन, और हु से हो गया हैंसोंग, और ई से हो गया इत्सिंग। ठीक है दोस्तों, बड़ी आसानी से हम इसको जो है ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि चीनी यात्री को फांसी हुई। और पानी खानवा के जो युद्ध हैं, अपने सूरी बाबर के जो युद्ध हैं, उनको भी बड़ी आसानी से हम याद रख सकते हैं। पानी पिया लोटी से, खाना खाया साग से, खाना खाने के बाद जब हम चंदा दे के आते हैं, और घर पर जो है गाना गाते हुए आ जाते हैं महमूद लोधी। अब देखें दोस्तों हम बड़ी ही आसानी से अगली हमारी ट्रिक से दोस्तों, देश में परमाणु घर। तो देश में परमाणु घर तारापुर, रावतभाटा, कल्पक्कम, नरोरा, काकरापार और केगा, ये जो है हमारे यहाँ के परमाणु घर है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं ताराकन काके। तो देखो ताश हो गया तारापुर, रास हो गया रावतभाटा, कस हो गया कल्पक्कम, नस हो गया नरोरा, और कास हो गया काकरापारा, और के से हो गया केगा। ठीक है दोस्तों, देश के परमाणु घर कहाँ 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 है इसको ज्ञात करने का सबसे आसान और शॉर्ट तरीका। तस हो गया तारापुर, रास हो गया रावतभाटा, कस हो गया कल्पक्कम, नस हो गया नरोरा, कास हो गया काकरापारा, और के से हो गया केगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा आपको और अच्छे से। दोस्तों आगे हम देखते हैं एशिया के देशों की कुछ देशों की राजधानियां और मुद्रा। भारत की राजधानी जो सबको पता है नई दिल्ली, और उसकी जो मुद्रा है वो रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और उसकी जो मुद्रा है वो टका। भूटान की थिम्पू, और इसकी मुद्रा का नाम है ग्लुट्रम। और नेपाल की काठमांडू, इसका रुपया है नेपाली रुपया। म्यांमार की नई ताई पाई ताप, और इसकी राजधानी है क्याट। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, और यहाँ का जो है मुद्रा है वो रुपया। अफगानिस्तान की काबुल, और अफगानी रुपया। चीन की बीजिंग, और रुपया है इसका युआन। श्रीलंका की कोलंबो, और जयवर्धने भी हैं रुपया। ईरान की तेहरान, और मुद्रा है रियाल।
इराक की बगदाद और मुद्रा है दिनार, इंडोनेशिया की जकार्ता और मुद्रा है इंडोनेशिया रुपया। ठीक है दोस्तों, ये जो है बहुत सारे देशों की राजधानी और रुपया है, इसको याद करिए, फिर जो है और राजधानी और रुपया भी आपको बताया जाएगा। नदियों के किनारे बसे विभिन्न शहर। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों आगरा, ठीक है। बद्रीनाथ बसा हुआ है अलकनंदा नदी के किनारे। इलाहाबाद, गंगा और यमुना नदी दोनों के किनारे इलाहाबाद है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे, दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे है कर्नूल। और सोकवा घाट की बात करें दोस्तों, तो सोकवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है और गंगा नदी के किनारे कन्नौज बसा हुआ है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है और ताप्ती नदी के किनारे दोस्तों सूरत बसा हुआ है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है और यमुना नदी के किनारे मथुरा बसा हुआ है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे अगर बात करें तो जमशेदपुर, और साबरमती नदी के किनारे दोस्तों जो बसा हुआ है आपका अहमदाबाद। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, आगरा जो बसा हुआ है आपका, आगरा यमुना नदी के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे, इलाहाबाद गंगा और यमुना दोनों नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, कर्नूल तुंगभद्रा नदी किनारे, सोकवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी किनारे, कन्नौज गंगा नदी किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, इलाहाबाद मूसी नदी किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और शहर और नदियाँ ज्ञात करते हैं कौन किसके किनारे हैं। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे हैं और लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के किनारे है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। जबलपुर जो है आपका नर्मदा नदी के किनारे है। कोटा चंबल नदी के किनारे। कटक जो है महानदी के किनारे। और नासिक गोदावरी नदी के किनारे। संबलपुर महानदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम कावेरी के किनारे। जौनपुर गोमती के किनारे। ओरछा बेतवा के किनारे। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। और वाराणसी गंगा नदी के किनारे। और लुधियाना जो है आपका सतलज नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, ये आपके नदी के किनारे बसे हुए जो है नगर हैं। एक बार फिर से अपन उसको देखते हैं, एक दो बार पढ़ेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे दोस्तों। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़, और गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, कोटा चंबल नदी के किनारे, कटक महानदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, संबलपुर महानदी के किनारे, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, ओरछा बेतवा नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, वाराणसी गंगा नदी के किनारे, लुधियाना सतलज नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, ये आपके नदी के किनारे बसे हुए जितने भी नगर हैं जहाँ से इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं वो आपके सारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है।